चोराहटा हवाई पट्टी से उड़ा प्रशिक्षु प्लेन नजदीकी उमरी गांव में क्रैश हो गया था। घटना के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। घटना में प्रशिक्षण दे रहे कैप्टन विमल की जहां मौत हो गई, वहीं ट्रेनिंग ले रहे प्रशिक्षु कैप्टन सोनू यादव की हालत गंभीर है। घटना की जानकारी लगते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा था और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया था, जहां कैप्टन विमल को चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। वहीं सुबह होते ही पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, कलेक्टर मनोज पुष्प, एडीजी केपी वेंकटेश्वर राव और आयुक्त अनिल सुचारी मौके पर पहुंचे हैं। आपको बता दें कि फाल्कन कंपनी को हवाई पट्टी चोराहटा प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसका छोटा विमान गुरुवार की रात करीब 11:30 बजे उस समय दुर्घटना का शिकार हो गया जब ट्रेनिंग से लौट रहा था। स्थानीय लोगों ने बताया था कि एरोप्लेन पेड़ से टकराने के बाद मंदिर के गुंबद से टकराया है। गनीमत रही कि पास की रिहायशी आवास पर प्लेन नहीं गिरा, अन्यथा बड़ी दुर्घटना घटित हो सकती थी। आइए आपको सुनाते हैं उक्त मामले में आयुक्त अनिल सुचारी और एडीजी ने क्या जानकारी दी है और किसकी लापरवाही से यह घटना घटित हुई है। खड़ा करा, उस तरफ कहीं भी खड़ा हो जाएगा तो इन केस कोई बात नहीं। हाँ तो भूल आएंगे हम दो आदमी भूल गाँव में यहाँ से घर से कौन नहीं बताया वो नहीं वो पाकर नीचे चले जाते ट्रेन जो है। ये एक्चुअली ये जो फाल्कन एविएशन एकेडमी है यहाँ पे वो लोग ट्रेनिंग देते हैं नया पायलट्स को। ये इनका ट्रेनर एयरक्राफ्ट था सेसना, वो कल शायद वो ट्रेनिंग में गए थे और ट्रेनिंग के दौरान लेट हो गया वो, तो रात में 11:30 के अराब ये लैंडिंग करने के लिए प्रयास कर रहे थे। वो शायद काफ़ी फॉग था, कोहरा था काफ़ी देर, तो काफ़ी राउंडिंग लेके प्रयास कर रहा था कि उतरने के लिए। एयरपोर्ट के जस्ट पहले मेरे ख्याल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा उसके पहले उन्होंने उनको इमरजेंसी लैंडिंग करना होगा, जो भी हो फॉल्टी लैंडिंग हुआ है उसमें जो है गांव में आके गिर गया। यहाँ पे गांव वालों को कोई नुकसान नहीं हो, मगर जो ट्रेनर है वो विमल कुमार है उसका मृत्यु हो गई और जो ट्रेनी है सोनू यादव वो भी आउट ऑफ डेंजर है। अब इसमें जो भी हम जुडिशल इंक्वायरी वगैरह करवाएंगे जी वो एक उसी तरह के एक बॉक्स रहता है वो सिक्योर्ड है वो उसमें फिर इंक्वायरी में काम आए। जैसा अभी आपको अभी एडीजीपी साहब ने बताया है कि किस प्रकार से ये कल रात की घटना है और इसमें जो ट्रेनर हैं विमल कुमार उनकी डेथ हो गई है और जो ट्रेनी हैं वो अभी अस्पताल में हैं और डीजीसीए से कॉन्टेक्ट हो गया है और उनकी टीम भी आ जाएगी और विधिवत इसकी जांच होगी और जांच उपरांत इस पे जो भी निष्कर्ष आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। सर सवाल बड़ा ये है कि जिस तरीके से आपने 5वीं तक की स्कूल की छुट्टी कर रखी है, कोहरे का मौसम, इस तरीके से रात को हवाई जहाज उड़ना, क्या इनको आप किसकी गलती मानेंगे? वो डीजीसीए की टीम जो आएगी वो जाँच करेगी, जाँच उपरांत सब निष्कर्ष उसमें प्राप्त होंगे। ठीक है, अभी कुछ भी कह देना उचित नहीं होगा, तो जांच उपरांत ही इस पे किसी चीज पे किसी निष्कर्ष पे पहुंचा जा सकेगा। कंपनी के विमान द्वारा जो नुकसान हुआ है ग्रामीणों का, उनके मंदिर टूट गया है और काफी जो नुकसान हुआ उस पे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।